देखिए, प्रेम में कोई अनुबंध नहीं होता है, प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख देने की इच्छा होती है, अपने प्रेमास्पद से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। अधिकांश लोग प्राप्त करने को सुख मानते हैं, जबकि प्रेम में प्रेम दे करके सुख, उसको दे करके सुखी होने की इच्छा होती है। महाराज जनक यदि प्रेमी ना होते, यदि भक्त ना होते, यदि संपूर्ण ज्ञानी ना होते, तो श्री भरत जी के प्रति उनका मन खराब हो सकता था, क्योंकि लौकिक दृष्टि से श्री राम उनके सगे दामाद हैं और श्री राम को जो वनवास हुआ है वो भौतिक दृष्टि से यदि देखें तो उसमें कारण जो बने हैं वो कैकेयी जी के पुत्र भरत बने हैं। लेकिन जनक जी महाराज का जो शुद्ध प्रेम है उसका प्रमाण चित्रकूट में जाके पता चला, जब उन्होंने अपनी पत्नी रानी सुनैना से कहा कि सुनैना, तुम भरत का जो श्री राम के प्रति प्रेम है उसका तत्व समझो। उन्होंने कहा, भरत महा महिमा सुन रानी, भरत की महिमा जो है बहुत महान है। क्या? भरत महा महिमा सुन रानी, जाने ही राम, राम तो जानते हैं और कोई नहीं जानता। लेकिन उससे भी आगे कह दिया, जाने ही राम ना सकई बखानी। राम जानते तो भरत की महिमा है, लेकिन वाणी के द्वारा उसको वो प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसका बखान नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य हुआ, प्रेम और भक्ति और ज्ञान और ईश्वर ये सब अनिर्वचनीय हैं, ये एक ही प्रेम के अलग अलग नाम हैं, उसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो प्रेम में अनुबंध जब आएगा तो दशरथ जी ने कैकेयी जी के पिता महाराज कैकेयी का अनुबंध माना, उसका परिणाम हुआ भगवान राम का वनवास। और जनक जी के हृदय में कोई अनुबंध नहीं है श्री राम के प्रति, श्री सीता जी के प्रति, कि उनका कैसा हो, कौन राज्य पर बैठे, किसको पुत्र हो किसको पुत्री हो, ऐसा कोई उनके अंदर भाव नहीं है। इसलिए वहाँ पर राम राज्य बना। राम राज्य प्रेम का परिणाम है और महाभारत जो है वो अनुबंध का परिणाम है। जय श्री राम।